किया है कि
उसके बंदों में से उलमा है जने साहब जाने अल्लाह तबारक व तआला ने ये हसर फरमाया है कि मुझसे वही डरते हैं जो इलम वाले इसलिए कि जिसको इलम नहीं वो नहीं डरता डरता वही है जिसको इलम जिसको ये लाइब्रेरी नहीं है कि बदअमली का अंजाम क्या है उसकी सजा क्या है और वो सजा कितनी सख्त है कितनी भयानक है वो क्या करो डरने का वो जो ये जानता होगा कि इस बुराई का अंजाम बड़ा सख्त है और अगर मैं बुराई करूंगा तो मुझे उस बुराई की सजा मिलेगी जो बड़ी सख्त होगी तो मैं बुराई न करूं ताकि मैं उस सख्त किस्म की सजा से बच जाऊं और जिसको इलम नहीं वो बेहद होकर जो चाहता है तो जिनको इलम है जो जानते हैं कि बुराई के अंजाम क्या है और बुराई के नतीज क्या हैं और बुराई करने वालों को किस किस्म की सजा मिलेगी वो बुराई नहीं करेगा वो अल्लाह की सजा से अल्लाह के अज़ाब से डरेगा। एक दो मिसालें पहले अर्ज करूं जिस शख्स को ये मालूम है कि बिजली की तार को हाथ लगाने से करंट पड़ जाता है और बहुत मरतबा उससे जान भी जा सकती है तो जो ये जानता है वो कभी बिजली की नंगी तार को हाथ नहीं लगाए और जिसको पता नहीं है वो हाथ लगा देगा और फिर उसको वो तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इसी तरह हम लोग जानते हैं कि रोड के दरमियान में खड़ा होना खतरनाक है तो हम चलते हुए गुजरते हुए बड़ा ख्याल करते हैं कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही अगर टक्कर हो गई एक्सीडेंट हो गया तो अपनी पसली टूट जाएगी हमें चूंकि इलम है इसलिए हम रोड पास करते हुए बड़े एहतियात से काम लेते और जो मस्त हैं या मजबूत हैं या जानवर हैं जिनको इलम नहीं है वो कोई एहतियात नहीं करते हैं वो गुजर है आप गाड़ी रुकिए हॉर्न बजाते रहिए वो खड़े हुए जानवर खड़ा हुआ बैल खड़ा हुआ भैंस खड़ी हुई है गधा खड़ा हुआ नहीं हटता गाड़ी आपने रोक ली उसको बंदे बंदे मार के हटाया क्योंकि उसको इलम नहीं है। तो जिसको इलम होता है कि इस काम का अंजाम बड़ा सख्त है वो उस काम को नहीं करता। तो डरने के लिए इलम का होना जरूरी है। मैं एक और ऐसी मिसाल दूं जिससे मसला बच्चों की समझ में भी आ जाए पढ़े लिखे तो अल्लाह के फजल से सब कुछ समझते हैं। सांप एक खतरनाक जानवर होता है तो जिनको ये इलम है कि सांप कितना खतरनाक जानवर होता है वो सांप के करीब नहीं जाएंगे बल्कि सांप को देखेंगे तो भागेंगे। और एक बच्चा हो साल सवा साल का जिसको ये पता नहीं है कि सांप कितना खतरनाक जानवर होता है उसके पास लाकर सांप रख दीजिए
तो वो उसकी जिंद पर कुदरती नक्काशी और खूबसूरती को देखकर उसको पकड़ने की कोशिश करे। क्यों बच्चा सांप को पकड़ने की क्यों कोशिश करेगा? इसलिए कि उसको सांप के खतरनाक होने का इल्म नहीं। बच्चा बैठा हुआ है, उसके पास सांप लाकर रख दीजिए, वो हाथ बढ़ाने की कोशिश, और कोई चार छह गज के फासले पर खड़े हुए 50 साल के बाप ने देखा कि मेरा बेटा सांप के बिल्कुल करीब है, उसका रंग पीला हो गया, सीने में दिल धड़कने लगा, बहुत घबराया और डरता डरता आया और अपने बच्चे को एक तरफ से उठाकर जोर से भागा। तो कोई देखने वाला कहे कि देखो, ये साल भर का बच्चा तो सांप से डरा नहीं, इसका रंग तो पीला नहीं हुआ, इसके सीने में तो दिल नहीं धड़का, ये 50 साल का जवान ताकतवर होके कांप रहा है, सीने में दिल धड़क रहा है, रंग पीला हो गया है, तो भाई इससे तो वो बच्चा ही बहादुर निकले। बच्चा नहीं डरा और ये बड़ा होके डर रहा है। तो पढ़े लिखे लोग कहेंगे ये बात नहीं है, बच्चा इसलिए नहीं डरा कि उसको सांप के खतरनाक होने का इल्म नहीं है, और बड़ा इसलिए डरा है कि उसको सांप के खतरनाक होने का इल्म है। तो आप अच्छी तरह समझ गए कि डरने के लिए इल्म का होना जरूरी है। जिनको इल्म नहीं, इतना पहला बेनियाज है, वो छोटी सी बात पर भी नाराज हो सकता है और वो जहन्नम में डाल सकता है, तरह तरह के अजाबों में मुब्तला कर सकता है। जिनको ये इल्म नहीं है वो डरते नहीं है, बेखौफ होकर जो चाहते हैं कर रहे। जिनको ये मालूम नहीं है कि रिश्वत लेने का अंजाम क्या है, हराम खाने का अंजाम क्या है, चोरी करने का अंजाम क्या है, बदकारी करने का अंजाम क्या है, शराब पीने का अंजाम क्या है, जिनको सही मानों में इल्म नहीं है, उनके दिलों में खौफ नहीं, वो नहीं डरते और बेखौफ होकर बड़ी बेबाकी के साथ इन बुराइयों का इंतकाब कर रहे। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, याद रखो, डरने के लिए इल्म का होना जरूरी, वही डरता है जिसको इल्म होता है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मेरे बंदों में से मुझसे वही डरते हैं जो इल्म वाले। यहां एक बात करने लगा हूं, बड़ी तवज्जो से सुनिए और यही मेरी तकरीर की जान है। आज हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग हैं जो अपने आप को आलिम नहीं कहलाते, अल्लामा कहलाते। अल्लामा से कम तो खैर आजकल है ही कोई नहीं, सारे ही अल्लामा है। तो बड़े बड़े अल्लामा कहलाते हैं, सहामा कहलाते हैं, इल्म के दावेदार हैं, मगर उनके दिलों में खुदा का शौर नहीं। वो बुतों के हक में उतरी हुई आयतें नबियों वलियों पर लगाते हैं, जानबूझ के कुरान करीम की आयात का तर्जमा गलत है, तफसीर गलत है, तलब सालहीन के खिलाफ है। दूसरों को कहते हैं खुद अमल नहीं करते, हालांकि वो इलम वाले आलिम कहलाते, वाज करते हैं, तकरीरें करते हैं, दूसरों को कहते हैं, वाज नसीहत करते हैं, खुद अमल नहीं करते। तो इसकी क्या वजह है? तो मैं एक बात अर्ज कर रहा हूं, उसको तवज्जो से सुनिए। सिर्फ
इलम से सही मानों में डर और खौफ पैदा नहीं होता जब तक इलम के साथ साथ कुर्ब की दौलत हासिल न हो। इसको समझाने के लिए एक मिसाल पेश करूं। बताइए आप जितने हजरात मस्जिद के अंदर बाहर बैठे हुए हैं, आपको इलम है या नहीं कि सांप खतरनाक जानवर होता है? इलम है, मगर आप डर नहीं रहे, आप पर कोई तारू नहीं। क्यों? कि सांप आपके करीब नहीं, सांप आपके करीब नहीं है। अगर खुदा ने खास्ता किसी कोने में से किसी तरफ से सांप निकल आए तो जिनकी नजर पड़ेगी वो जूतियां छोड़कर भी भाग जाएंगे, जूती भी नहीं उठाएंगे, सब भागेंगे और अपनी जान बचाने की कोशिश करेंगे कि वो कहीं काट ना ले, दस ना ले। आपको इल्म है कि शेर, भेड़िया, चीता ये खतरनाक जानवर है, इंसान पर हमला करके चीर फाड़ के रखते थे। बोलो आपको इल्म है या नहीं? इल्म है, मगर डर और खौफदारी नहीं, क्योंकि शेर आपके करीब नहीं है। अगर शेर आपके पास आ जाए तो आपका दिल धड़कने लग जाएगा, रंग पीला हो जाएगा और हो सकता है कि उसको देखकर ही आदमी गश खा के गिर जाए या उसका हार्ट फेल हो जाए या पता नहीं क्या हो जाए। तो सांप के खतरनाक होने का, शेर के खतरनाक होने का हमें इल्म तो है, मगर हम डर नहीं रहे, हम पर होशियारी नहीं, क्योंकि हम शेर के सांप के करीब नहीं, सांप और शेर हमारे करीब नहीं। तो जब आपने ये सुन लिया तो याद रखिए, ये जो आजकल के उलमा हैं जो अल्लाह से नहीं डरते, इनके पास इल्म तो है मगर इनको अल्लाह ताला के कुर्ब की दौलत हासिल नहीं, अल्लाह ताला के कुर्ब की दौलत हासिल नहीं। चूंकि अल्लाह ताला के कुर्ब की दौलत से महरूम है, इस वास्ते इनके दिलों में खौफ नहीं। जो जितना ज्यादा अल्लाह का मुकर्रब होगा उतना ही वो ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हो। तो मालूम हुआ कि अल्लाह से वो डरते हैं जिनके पास इलम भी है और इलम के साथ साथ उनको अल्लाह ताला के कुर्ब की दौलत भी हासिल है। अब यहां बड़े लिखे हजरात हैं, उलमाए किराम हैं, वो कहेंगे मौलवी साहब अल्लाह तो करीब है हमारे, हम मानते हैं, वो तो शारक से ज्यादा करीब है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और अल्लाह फरमाता है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, तो अल्लाह तो करीब है। तो कौन है जो अल्लाह को करीब नहीं समझता? कौन है जिसको अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं है? अल्लाह का कुर्ब तो सबको हासिल है। तो मैं अर्ज करूं कि अल्लाह तो बेशक हमारे करीब है, मगर हम अल्लाह के करीब नहीं है, हम अल्लाह के करीब नहीं है। आप कहेंगे ये कैसी बात हो सकती है, जब अल्लाह हमारे करीब है तो हम भी उसके करीब हुए, हमको दूर कैसे हो सकती? जैसे ये माइक्रोफोन मेरे करीब है तो मैं कहूं कि ये माइक्रोफोन तो मेरे करीब है, बिना तस्बीह समझने समझाने के लिए बात कर रहा हूं, मैं कहूं ये माइक्रोफोन मेरे करीब है तो लोग कहेंगे मौलवी साहब जब माइक्रोफोन आपके करीब है तो आप माइक्रोफोन के करीब, ये तो नहीं हो सकता कि माइक्रोफोन आपके करीब है और आप इससे दूर है। तो जब अल्लाह हमारे करीब है तो हम भी उसके करीब हुए, दूरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं कि अल्लाह तो हमसे करीब है मगर हम अल्लाह से करीब नहीं है, और वो कैसे?
इस मसले को मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह जो बड़े आरिफ हैं, बड़े वली अल्लाह हैं, आलिम जाहिरी और बातनी है, उन्होंने इस मसले को बड़े अच्छे अंदाज से समझाया है। और उनकी आदत यह है कि जब कोई मसला समझाते हैं ना, तो उस मसले के समझाने से पहले वो कोई ना कोई हिकायत जरूर बयान करते हैं। और हिकायत बयान करके जो नतीजा निकालते हैं, वो नतीजा उनकी मुराद होता है। तो मौलाना फरमाते हैं कि एक जौहरी था, हीरे जवाहरात का काम करता था, तो वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में हीरे जवाहरात की तिजारत कारोबार करने के लिए जा रहा। और उस जमाने में रेलगाड़ियां, मोटरें, हवाई जहाज वगैरह तो थे नहीं, पैदल सफर कर रहा। तो एक चोर मिल गया, चोर। तो चोर ने जौहरी को देखा और जौहरी ने चोर को देखा। तो चोर ने कहा, साहब आप कहां जा रहे हैं? उन्होंने कहा फलां जगह। कहेंगे ये तो बड़ा ही अच्छा इत्तेफाक हो गया, मैं भी वहीं जा रहा हूं। तो जौहरी ने कहा बिस्मिल्लाह, सारा आंखों पर बड़ा अच्छा हो गया, एक एक और दो ग्यारह सफर बड़ा अच्छा गुजर जाएगा। चोर ने दिल में ख्याल किया कि आदमी मालदार चोर है या कैसा है, आदमी की शक्ल से सूरत से बहुत कुछ मालूम हो जाता है। वो भी समझ गया कि आदमी खतरनाक है। चल पड़े तुम। रास्ते में चोर कहने लगा कि आप फलां शहर में किस सिलसिले में जा रहे हैं? तो मैं साजिर आदमी हूं, तिजारत के लिए जा रहा हूं। आप किस सिलसिले में जा रहे हैं? चोर ने कहा वैसे ही मैं तो घूमने को, यहां कोई दोस्त यार है उनको मिलने के लिए। चोर ने पूछा आप किस चीज की तिजारत करते हैं? तो जौहरी ने कहा जवाहरात। अच्छा, हीरे जवाहरात के आप ताजिर हैं? जी। तो आपके पास हीरे जवाहरात हैं? चोर कहेंगे अगर दिखाइए तो सही, मैंने कभी देखा ही नहीं कि हीरे जवाहरात होते कैसे। और जौहरी ने जेब से डब्बी निकाली, इतनी बड़ी डब्बी थी जिसमें बड़े चमकते हुए खूबसूरत रंग बरंगे हीरे जवाहरात, कोई याकूत है, कोई नीलम है, कोई पुखराज है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, लाखों रुपए के हीरे। चोर कहने लगा क्या कहने, मुर्गी बड़ी शानदार है, बाल भी छोटा है, जिसका छुपाना उठाना चुराना लेके जाना आसान है, तो दो चार मन वजन हो तो भी बात है। तो वो बड़ा खुश हुआ। चलते 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 रात आ गई, एक गांव आ गया। अब आप समझ सकते हैं कि देहात में होटल वोटल तो होते हुए, तो ना ही कोई दुकानें होती हैं ज्यादा। मस्जिद में चले गए और कहा भाई हम मुसाफिर हैं, हमने खाना भी खाना है और रात भी काटनी है। वो किसी ने खाना भी ला दिया, मस्जिद का हुजरा दे दिया कि भाई रात यहां गुजार। बहुत अच्छा, इशा की नमाज पढ़ी, चोर ने क्यों पढ़नी थी? जौहरी ने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के कहा कि ये हिजरा गैर महफूज है, दरवाजे वगैरह कुछ है नहीं, और अपने पास बड़ा कीमती माल है, तो अगर दोनों ही सो गए तो हो सकता है माल चोरी हो जाए। तो जौहरी ने कहा कि ऐसा करें कि आधी रात आप सो जाएं, मैं जागूं, और आधी रात मैं सो जाऊं तो तुम जागो, कुछ नींद भी हो जाएगी और माल की हिफाजत भी रहे। चोर कहेगा जी बिल्कुल ठीक। तो जौहरी ने कहा कि ऐसा करो कि पहले
पिछली रात मैं सो जाता क्योंकि मुझे तहज्जुद पढ़ने की भी आदत है, तो अभी रात के वक्त मैं उठ जाऊंगा तो फिर तुम सो जाना और मैं अपनी नमाज पढ़ता रहूंगा। तो पहली रात मैं सो जाता हूं, पिछली रात तुम सो। चोर बड़ा खुश, तो और अच्छा हो गया, ये सोएगा और मैं गड्डियां लेकर भाग जाऊंगा, फिर ये उठ के ताज्जुद करता रहेगा। तो जौहरी ने कहा, देखो भाई, चूंकि तुमने आधी रात तक पहरा देना है और यहां से जाना नहीं, इस वास्ते पेशाब उशाब करना हो तो कर, क्योंकि फिर तुम अगर मुझे छोड़ के चले गए तो फिर मैं तो अकेला रह जाऊंगा, हो सकता है कि कोई चोरी कर रहे, तो तुम पेशाब उशाब करो, मैं उतनी देर में अपने ईशा की नमाज वगैरह से फारिग हो जाता हूं, फिर मैं लेट जाऊंगा, आधी रात के वक्त मुझे उठा देना और फिर तुम सो। वो चोर ने क्या किया कि अपना कोट जो था ना, जो उसने पहना हुआ था, वो कोट उतारा और उतार कर वहां लटका दिया। दीवार के साथ कोई लकड़ी थी, कोंटी जिन्हें आप पंजाबी किल्ली कहने, किल्ली ने नार कोट लटका देता, टंग देता, फिर वो चला गया। अच्छा, जिस वक्त दूर चला गया तो जौहरी साहब ने डबिया अपनी जेब से निकाल के उसके कोट की जेब में डाल। थोड़ी देर के बाद वो आ गया, भैया जी अब मैं सो जाऊं। जब वो जौहरी साहब सो गए और चोर देखता रहा कि नींद गालिब आ गई है, खर्राटे मारने लग गए, तो जौहरी साहब को आहिस्ता आहिस्ता चोर ने जौहरी की जेब को टटोलना शुरू, आहिस्ता कि पता न लग जाए, आराम आराम से हाथ जेब तक पहुंचाया। चोर तो था, तजर्बे थे उसको भी, उसने जेब देखी तो जेब में डब्बी कोई नहीं, दूसरी जेब में डाल दी, दूसरी जेब की तरफ बड़ा बड़ी मेहनत मुशक्कत करके दूसरी जेब तक रसाई हासिल की, डब्बी दूसरी जेब में दी। कहने लगा, सराहने रख के सो गया है। बड़े तरीके से सराहने को लगा के टटोलने, इस तरफ का हिस्सा देखा, फिर जिधर सर था जरा उसको तरीके से ऐसे जरा से जैसे आदमी को तिनका से लगा देता हूं, तो आदमी सोया ऐसा करके, तो जरा उसने इधर मुंह किया, उधर से भी चटोला, सारा तकिया भी चटोल मारा डब्बी ने। कहने लगा, जिस तरह जो इसने किया है जमीन पर उसके नीचे में रख दी, गर्व ये कि बिस्तरे के नीचे, कपड़ों के नीचे, तकिए के नीचे जेते, आधी रात तक बेचारा डब्बी ढूंढता रहा, डब्बी को आखिर वो जौहरी साहब जाग उठे तो कहेंगे, मियां तुमने सफर भी किया है, तुम्हें नींद परेशान कर रही होगी, तो आप सुन, अब बेफिक्र हो, वैसे कुछ सफर करके थका हुआ था, कुछ डब्बी तलाश करते करते थक गया था, क्यों ही लेगा तो नींद आ गई। जब सो गया और नींद का गलबा हो गया तो जौहरी साहब ने चुपके से डब्बी उसकी जेब से निकाली और अपनी जेब में डाली और डब्बी पढ़ने लगा। दिन चढ़ा, जौहरी साहब नमाज से फारिग हुए तो मैं उसको देखो नहीं चले चल करो। रास्ते में चलते चलते चोर ने कहा, ये डब्बी आपके पास है ना? बिल्कुल है। कहा है? उन्होंने जेब से मेरा वर्क है, रात पता नहीं किधर चली गई, मैंने कोई छह मरतबा इस जेब से कटोला है। सोचता रहा कि इसने कहां रखी हो, इसी सोच और जौहरी को तो बिल्कुल यकीन हो गया, क्योंकि वो जब कटोल रहा था ना तो उन्होंने एक दो मरतबा महसूस किया मगर आंख बंद रखी के इसको पता सुने। जिसके पास लाखों रुपए का माल हो उसको तो वैसे ही नींद नहीं आती, और फिर साथ चोर है,
कि ये जो मैंने तरीका इख्तियार किया है कामयाब। चलते चलते दूसरी रात आ गई, एक ऐसी जगह पाए में कमरा मिल गया। फिर वही तरीका, जौहरी ने कहा बस वही रात वाला तरीका ठीक है, पहली रात मैं सो जाता हूं, दूसरी रात तुम सो जाना, तो जाओ पिशाब विशाब करके फारिग होके आ जाओ, मैं नमाज पढ़ लूं। उसने अपना कोट फिर उतारा, लटका दिया, वो गया तो जौहरी साहब ने फिर चप्पी उसकी जेब में। दूसरी रात हुई तो उसने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि जब ये देखता है ना मुझे पिशाब करने, तो ये एक कमरे के किसी कोने में थोड़ी सी मिट्टी खोद कर दबा देता हूं। आज की रात उसने चारों कोने खोद मारे, जगह जगह कमरे से खोता मिट्टी निकाल रहा है, कभी कोई नहीं निकली। जेबें भी देखी, सब कुछ देखा, दिन चढ़ा, फिर जा रहे थे, कहेंगे जी वो डब्बी तो है ना आपके पास? बिल्कुल है। कहा है? फिर जेब से निकाली। मेरा घर कुछ है कम वक्त, आपको पता नहीं किधर जाती है। तीसरी रात हुई, फिर इसी तरह हुआ, तीन दिन के बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच। जौहरी ने कहा दीजिए साहब अब शहर आ गए, अब मेरे और आपके दरमियान जुदाई है, अब आप मेरे साथ नहीं रह सकते, अब आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूंगा, सफर गुजर गया। चोर ने कहा जी बिल्कुल ठीक है, मैं चाहता हूं मगर खुदा के वास्ते मुझे इतना बता दीजिए कि ये रात के वक्त आप डब्बी कहां रखे, इतना ऐसे जाइए, अब मैं आपके साथ नहीं रहूं, मगर खुदा के वास्ते मुझे इतना बता दीजिए कि ये डब्बी रात के वक्त आप कहां रखे। तो बस ये जवाब सुनो, उस जौहरी ने कहा कि ये डब्बी तो तुमसे करीब होती थी मगर तुम इससे दूर है, ये डब्बी तुमसे करीब होती मगर तुम इससे दूर होते। अरे तुम दूसरों की जेबें टटोलते रहे, तुमने अपनी जेब को नहीं टटोला, ये मैं तुम्हारी ही जेब में डाल देता था, ऐ काश कि तुम अपनी जेब में हाथ डालते, अपने गिरेबान में मुंह डालते, अपने नफ्स में गौर और फिक्र करते तो तुम्हें पता चलता, तुमने अपनों की जेबों को। फरमाते हैं कि डब्बी उसी की जेब में होती थी मगर चूंकि उसको मारिफत नहीं थी, उसको पता नहीं होता कि ये मेरी जेब में है, तो वो दूसरी जगहों पर ढूंढता रहा। इसी तरह अल्लाह तो हमसे करीब है, हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है, मगर चूंकि हमें अल्लाह ताला की मारिफत हासिल नहीं, ये मारिफत का हासिल न होना ये दूर होने की अलामत और दलील नहीं, इससे भी आसान बात करता हूं। बोलिए कुरान शरीफ में सारे मसले लिखे हुए हैं या नहीं? एक शख्स के हाथ में कुरान शरीफ थी लेकिन उसको मारिफत हासिल नहीं, कुरान उसने पढ़ा नहीं, जानता नहीं, तो हम उससे पूछते हैं कि भाई अगर कोई कसम खा ले और उस कसम को तोड़ना चाहे तो उसका कफारा क्या है? ये इस कुरान में लिखा हुआ है, जरा बताओ तो सही कहां लिखा हुआ है? तो बोलो मसला कुरान में है या नहीं? मसला कुरान में है, कुरान उसके करीब है और बज़ाहिर वो भी कुरान से करीब है मगर चूंकि उसको मारिफत हासिल नहीं तो वो करीब होकर भी दूर है। कुरान तो उसके करीब है मगर चूंकि उसको मारिफत हासिल नहीं है वो करीब नहीं बल्कि दूर है, क्योंकि उसको मारिफत हासिल नहीं। तो अल्लाह तो हमारे करीब है मगर चूंकि हमें अल्लाह की मारिफत हासिल नहीं, ये मारिफत का हासिल न होना ये दूर की, ये दूरी की अलामत। इसी वास्ते अल्लाह ने हमें पैदा किया है कि हम अल्लाह की मारिफत हासिल करें।
अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को इसी वास्ते पैदा किया है कि वो हमारी इबादत है। मुफस्सरीन लिखते हैं लियाबुदून का मतलब है ऐ लियारिफून, ताकि वो हमारी मारिफत हासिल करें। तो जिन्नों और इंसानों की तखलीक का मकसद ही अल्लाह ताला की मारिफत का हासिल करना है। अल्लाह ताला ने ये तमाम मखलूकात पैदा इसलिए की कि अल्लाह ताला की मारिफत हासिल हो जाए। अल्लाह फरमाता है कुन तो कंदन मखियन फअहबब तो अन ओराफा। अल्लाह फरमाता है कि मैं एक मक्सी खजाना था, कुन तो कंजन मक्सियन, मैं एक मक्सी खजाना था। फअहबब तो बस मैंने चाहा, मुझे मोहब्बत हुई किस बात की, अन ओराफा कि मैं पहचाना जाऊं, मेरी मारिफत हासिल हो। फखलकतुल खल्का और फखलकतु नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैंने मखलूक कामिल मखलूक खास नूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। तो इस हदीस कुदसी से अल्लाह के इस फरमान से साबित हुआ कि कायनात की तखलीक का मकसद ही अल्लाह ताला की मारिफत। अल्लाह ताला ने हमें पैदा इसलिए किया है कि हम उसकी मारिफत हासिल करें। तो दोस्तों, अल्लाह तो हमसे करीब है, मगर चूंकि हमें उसकी मारिफत हासिल नहीं है, तो ये मारिफत का हासिल न होना ये दूरी की अलामत। इसी बात से अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वस्जुद वक्तरिब, मुझे सजदा कर, मेरी गार बारगाह में झुक और मेरे करीब होता जा। अगर बंदा पहले नहीं करीब होता तो अल्लाह ये ना फरमाता कि मेरी इबादत करके मेरे करीब होता। और एक इरशाद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल, मेरा बंदा नफलों के साथ मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है। यानी जू जू वो इबादत करता है, पर्दे उठते जाते हैं, तरक्की होती जाती है, मारिफत हासिल होती जाती है। जितनी मारिफत हासिल होती जाती है उतना खुदा का कुर्ब नसीब होता था। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अब आपकी समझ में बात आ गई कि जब तक कुर्ब हासिल न हो उस वक्त तक बात नहीं बात। ये आजकल के मौलवी जो अल्लाह से नहीं बढ़ते, उसकी वजह यह है कि इनके पास इलम तो है मगर इनको खुदा ताला के कुर्ब की दौलत हासिल है नहीं। कुर्ब की दौलत ये मुकर्रब नहीं है, ये मुकर्रबीन से नहीं है, इनको कुर्ब की दौलत हासिल नहीं, खुदा ताला की मारिफत हासिल नहीं, बस खाली इलम ही इलम है। और जिस इलम के साथ इरफान ना हो वो इरफान वो इलम बेकार। एक है इलम और एक है मारिफत, एक है इलम और एक है मारिफत। इसको भी मैं समझाऊं, इलम के माने जानना, मारिफत के माने पहचानना। मसलन कोई शख्स रावलपिंडी रहता हो, पिशावर रहता हो, मियांवाली रहता हो, आजाद कश्मीर रहता हो, तो वो जानता है कि कराची में एक शख्स है जिसका नाम है मोहम्मद शफी उपाध्याय, उसको इलम, उसे
जिसने तकरीर सुनी है टेप के जरिए से या लोगों से सुना है, तो उसको इल्म है कि कराची में एक शख्स रहता है और वो शख्स आजाद कश्मीर का रहने वाला रावलपिंडी आ जाए और मैं भी रावलपिंडी चला जाऊं, वो मेरे पास से गुजर जाएगा, मैं उसके पास से गुजर जाऊंगा, क्योंकि उसने कभी मुझे देखा नहीं, देखा नहीं, वो गुजर गया मेरे पास से, मैं उसके पास से गुजर गया। उसके बाद फिर कहीं मुलाकात हुई, रात को वो बाद में आया तो कहने लगा ये कौन बात कर रहा है, लोगों ने कहा ये मोहम्मद, अरे ये तो आज मेरे पास से गुजरा था बाजार है, तो मैं उसके पास से तो गुजरा था मगर वो मुझे मिला नहीं, उसने मुझे सलाम नहीं किया, मुलाकात नहीं की, क्योंकि उसको मेरी मारिफत यानी पहचान नहीं, जानता तो था मुझे, नाम तो मेरा उसने सुना हुआ था मगर मेरी पहचान नहीं थी। तो इलम नाम है जानने का और मारिफत नाम है पहचानने का। तो एक है ये जानना कि अल्लाह है, एक है अल्लाह को जानना, एक है अल्लाह को पहचानना। ये पहचान जो है ना अल्लाह ताला की, ये पहचान नाम है मारिफत। और जानना, जानते तो सभी है, जानते सब हैं मगर पहचानता कोई कोई। अल्लाह ताला की मारिफत और पहचान सबको हासिल नहीं। इसी बात से अल्लाह ताला ने पहले तो अपने नबी को कुल शय का इलम अता फरमाया था और फिर मेराज की रात पहचान करवाई। कैसे? हुजूर अलैहिस्सलाम दूसरा इरशाद फरमाते हैं, मैं अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ तो अल्लाह ताला ने क्या किया? हुजूर अलैहिस्सलाम दूसरा फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का हाथ राय तो रब्बी अज्जा व जल्ला फी अहसन सूरतिन, मैंने मेराज की रात अपने रब को बड़ी अच्छी सूरत में देखा। वादा कफ़हू बेना काते सैया, ये मिश्कात शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, तिरमिज़ी में भी मौजूद है। हुज़ूर फरमाते हैं अल्लाह ने अपनी कुदरत का बेमिसल हाथ मेरे इन दोनों कंधों के दरमियान रखा। हवा चक तो बरदा है बेना काते यैया, तो हुजूर फरमाते हैं जब अल्लाह ने अपनी कुदरत का बेमिसल हाथ मेरी कंधों पर रखा तो मैंने उस हाथ के रखने का फैज अपने सीने में ठंडक की सूरत में पाया। पंजाबी विच आखो भी मेरे सीने च ठंड पै गई। जब रब तआला ने अपनी कुदरत का हाथ रखा ना मेरे कंधों के दरमियान तो मेरे सीने में ठंड पड़ गई। और फिर क्या हुआ? हुजूर फरमाते सालिम तो माफिस समावाति व माफिल अर्ज, जो कुछ आसमानों और जो कुछ जमीनों में था मुझे कुल शय का इलम हो। देखो एक है इलम, अब दूसरी बात सुनो। हुजूर फरमाते फता जल्लाली कुल्लो शईन वारफ्तो, फिर कुल शय मेरे वास्ते रोशन हो गई और मैंने हर हर शय को पहचान। दो बातें, पहले तो फिर मैं मुझे इल्म हो गया जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीनों में, और फिर फरमाया फता जल्लाली मेरे वास्ते रोशन कर दी गई, कुल है रोशन करके अल्लाह ने एक एक शय सामने की, महबूब देखते जाओ ये फलां चीज है, ये फलां चीज है, ये फलां चीज है। फता जल्लाली कुल शय इम्बारत, फिर अल्लाह ने कुल शय मेरे वास्ते रोशन की, ऐसी रोशन की कि मैंने कुल शय को पहचान लिया।
करके ना, एक तो ये है कि ऐनक होती है वो आंखों पर लगाई जाती है, इलम हो गया। एक ये सामने करना है, देख ऐसी ऐनक ये आंखों पर लगाई जाती है। तो एक है जानना, एक है पहचानना। अल्लाह ताला ने मेराज की रात अपने हबीब को इलम भी दिया और कौन शह की पहचान दिया था। है? अब आप समझ गए कि एक होता है इलम, एक होती है मारिफत। ये जो मौलवी साहेबान अल्लाह से नहीं डरते, इनके पास इलम है मगर मारिफत नहीं। इलम है मगर कुर्ब की दौलत हासिल नहीं है। आगे बढ़ता देखो, जो जितना मुकर्रब होता है उतना ज्यादा अदब वाला होता है, और जितना कोई दूर होगा उतना बेअदब होता है। जो बादशाह की हुजूरी में रहने वाले होते हैं, दोनों को बादशाह के सामने टांगे पसार के बैठेंगे? जो बादशाह के दरबार में रहने वाले होते हैं, वो बादशाह के दरबार में गप्पे मारेंगे और कह के मार मार के हंसेंगे, एक दूसरे को छेड़छाड़ करेंगे? बड़े अदब से हैं जो खड़े होंगे, जो फरिश्ते शॉर्ट अटेंशन, नजरें इधर उधर नहीं होंगी, कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे, ऐसा लगेगा जैसे कि बड़े शरीफ हो। और जो बादशाह हुक्म भजी हो फ्रांड जाए, फोन आए, आने में जाने में गुफ्तगू करने में अदब आदाब को मलहूज रखे, और जो दूर है वो जिस तरह गए टांगे पसार के बैठे, लेटे, गप्पे मारे, हंसे, कहके मारे, शरारते करे, और जो मर्जी करे क्योंकि वो दूर है। और ये बड़ा मोहताज और बड़ा बाअदब है क्योंकि ये हुजूर में है, इसको हुजूरी हासिल है, उसको दूरी हासिल है। हुजूरी वाला हमेशा ये ख्याल करेगा मुझसे कोई ऐसी बात ना हो जाए कि बादशाह नाराज हो जाए और मुझे अपने दरबार से निकाल दे। हुजूरी वाला जो दरबार में रहता है, जिसको कुर्म की दौलत हासिल है, वो बड़ा मोहताज होकर रहेगा कि मुझसे कोई ऐसी बात, कोई ऐसा फेर सरदत ना हो जाए कि बादशाह नाराज हो जाए और मुझे अपनी हुजूरी से महरूम कर दे। मालूम हुआ कि जितने कोई अदब वाले होते हैं उतने ही वो मुकर्रब होते हैं, और जितने बेअदब होते हैं उतने दूर होते हैं। औलिया अल्लाह क्यों अदब वाले होते हैं? इसलिए कि उनको कुर्ब की दौलत हासिल होती है, वो हुजूरी में रहते हैं। खलवत हो जलवत हो, वो हर हालत में तस्बीह पढ़ते रहेंगे, अल्लाह की याद करते रहेंगे, कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि उनका ये ईमान और यकीन होता है कि अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ। मैं कहता हूं ये एक बात ऐसी है कि अगर इस बात पर कोई हामिल हो जाए और इस बात के सिलसिले में किसी का हाल हो जाए तो वो वली अल्लाह बन जाए। चुनाचे मैं आसान बात तरीके से समझाऊं, मां बाप साथ हो तो बोलो हम बुराई करते, पीर और मुर्शिद साथ हो तो हम बुराई करते नहीं करते। अल्लाह हमारे साथ है फिर हम बुराई क्यों करते? मां बाप देखते हैं, पीर मुर्शिद देखता हो, कोई मोहल्ले का आदमी कोई औरत देख रही हो, हम कोई बुराई नहीं करते। अल्लाह हर हालत में हमें देखता है फिर हम बुराई क्यों करते? अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है, बाहु वा माकुम अहिना माकुंतुम, तुम चाहो कहीं भी हो वो अल्लाह तुम्हारे साथ है। वल्लाहु बसीरुम बिमा तअमलून, तुम जो कुछ भी करते हो अल्लाह तबारक व तआला देखता है। फरमाया बला तअमलून मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदा, तुम जो भी अमल करते हो हम तुम्हारे पास हाजिर हो, मौजूद हो। तो
तो हम बुराई नहीं करते, वीरों मुर्शिद का तो हम बुराई नहीं करते, अल्लाह हमारे साथ है तो हम बुराई क्यों करते। इसलिए कि ये जो हम कहते हैं ना अल्लाह साथ है, ये काल है हाल नहीं है, काल है हाल नहीं, इल्म में मारिफत नहीं। इसी वास्ते मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, काल रा गुजार मर्दे हाल सो और पेशे मर्दे का मिले पामाल सो। फरमाते मियां बातों को छोड़, साहिबे हाल हाली न बन, हाली बन साहिब हाल, और तू साहिब हाल नहीं बन सकता जब तक किसी साहिब हाल के पास जाकर अपने आप को उसके पांव की खाक न बना। डॉक्टर इकबाल ने भी बड़ा प्यारा शेर कहा, डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, इकबाल पढ़ा उपदेशक है मन बातों में मोह लेता है, इकबाल बड़ा उपदेशक है मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया किरदार का गाजी बन सका। तो हम लोग बातें कहकर, और मैं दूसरों को क्या कहूं, मेरा तो अपना हाल ये है, उम्र गुजरी
आप देख रहे हो ना हमें नमाज पढ़ते हुए, तो हम नमाज जरा ठहरा ठहरा के पढ़ेंगे। मौली साहब पीछे आखिर में तेरी नमाज नहीं हुई, तो दोबारा वो पढ़ वो करेगी, तो पहले ही जरा समझ के पढ़ो है। तो मौली साहब देख रहे हो तो अच्छी तरह नमाज पढ़ेंगे ठहरा ठहरा, और अगर कोई ना देखता तो फिर हमने वाह दिल बड़ा वास्ता ही मारे ठूंगे से चल पाई है। मां बाप देख रहे हो कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे, तो अगर ये हमारा हाल हो जाए कि अल्लाह भी देख रहा है तो हम कोई ऐसी हरकत करें, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा काल है बस। बात उस दिन बनेगी जिस दिन हाल हो जाए। हाँ, जिनका हाल हो जाता है वो खलवत में हो, जलवत में हो, सात कोठड़ियों में बंद हो, वहां भी वो डरते हैं। क्यों? इसलिए वो कहते हैं कोई दुनिया का आदमी नहीं देख रहा तो क्या हुआ, वो तो देख रहा। आगे न बात वहीं पर, अल्लाह से कौन डरता है जिसको इलम है, और इलम के साथ साथ मारिफत। ये जो नहीं डरते इनको इलम नहीं, इलम है तो मारिफत नहीं। जलीखा यूसुफ अलैहि सलाम को सातवीं कोठरी में ले गए और एक दरवाजे ऐसे बंद किए, ताले लगा दिए, चिटकनियां नहीं चढ़ाई, खाली कुंडियां नहीं लगाई, ताले। वगल्लत अलअबवाब, अल्लाह फरमाता है ताले लगा दिए। सतवीं कोठरी, सात दरवाजे। तो अगर कोई आजकल का होता तो वो कहता हूं हंसता गया ही है, सात दरवाजे लगे हुए हैं, वो रास्ता तो है नहीं निकलने का, कहीं भाग तो सकता नहीं। चलो फिर जो कुछ अंदाज हो नहीं समझने वाली गल समझ। क्यों भाई? तो हमारे जैसा होता तो कहता हूं मैं की करा, दरवाजे लगे हुए ने, ताले लगे ने, तो ताला भी एक नहीं सात, सात ताले लगे हुए हैं, कोई रास्ता तो है नहीं, फंस गया हम, मैं मजबूर नहीं। जिनको इलम था, जिनको मारिफत हासिल थी कि सात क्या सत्तर हजार ताले भी लगे हो तो मेरा रब चाहे तो एक मिनट में खोल है। उसको जब दावत दी गई बुराई की, उसने कहा माउद अल्लाह, खुदा की पनाह। वो किस काम की दावत दे रहे? मैं अल्लाह की पनाह मांगता, बस ये कहा कि मैं तेरी पनाह चाहता हूं। तो जब अल्लाह की पनाह मांगी, दौड़े अपना दामन बचा के। क्यों दौड़े? कि बुराई से भागना मेरा काम है, रास्ता पैदा करना तेरा। जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूं, जो तेरा है वो तू कर। इलम था मार सकती कि वो कर सकता है, दरवाजे खुलते गए और यूं समझ आए सलाम। तो मियां जिसके दिल में खौफ होगा, जो इलम वाला होगा, अल्लाह हर जगह करेगा। वो तो कहेगा कोई और नहीं देख रहा तो क्या हुआ, अल्लाह तो देख है। और यह अल्लाह की यही हाल हो, जलवत हो, जलवत हो, अकेले हो, लोगों में हो, हर हालत में अल्लाह से डरेंगे, अदब का मुजाहरा करेंगे, कोई बात ऐसी नहीं करेंगे जो खिलाफ तहजीब हो। क्योंकि उनका ये हाल होता है, उनका ये यकीन होता है, उनकी ये कैफियत होती है कि और कोई साथ नहीं है तो क्या हुआ, अल्लाह तो मेरे साथ। अल्लाह मेरे हजरत साहब के पास दो आदमी लड़ते हुए आ गए। एक कहता था हुजूर हाजिर नाजिर है, दूसरा कहता था हाजिर नाजिर नहीं, अल्लाह हाजिर नाजिर। हजरत साहब के पास जा रहा है ना, तो जो कहता था ना अल्लाह हाजिर नाजिर है, आपने उससे फरमाया कि तू अल्लाह को हाजिर नाजिर समझता है?
तो अल्लाह तो हाजिर नाजिर है, समझता है, तो अल्लाह वाले के कहने में भी फर्क होता है। वो आवाज दिल की गहराइयों तक पहुंच जाती है। फरमाया तू समझता है अल्लाह को हाजिर नाजिर, फिर तो तेरा बड़ा मर्तबा है भाई कि तू अल्लाह को हाजिर और नाजिर समझता है। जो हाजिर नाजिर समझते हैं ना, हमारे हजरत पीर और मुर्शिद बाहर जाते थे ना रफा हाजिर के लिए, तो घंटा घंटा वहां फिरते रहते, बैठते नहीं थे। कहते मैं क्या करूं, मुझे हर जगह अल्लाह नजर आता, कैसे बैठूं, कैसे कपड़ा उठाऊं, बड़ी मुश्किल पेश आ जाती। फिर अल्लाह तबारक व तआला कैफियत बदलता है, नहीं तो ये कभी बैठ नहीं है। क्या कहते हैं अल्लाह हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब अल्लाह को देखो ना तुझे हर बात भर सोना तुझे, सारा दिन तो लहो लाभ में खेल कूद में दुनिया के कामों में गुजार दिया और रात सारी सो के गुजार, फिर लहब में खोना तुझे और रात भर सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। ये क्यों कहा? अरे लोग तो कहते हैं ना अल्लाह हाजिर और नाजिर है, हम सुन्नियों का अकीदा ये है कि हुजूर भी हाजिर और नाजिर, तो हुजूर को हाजिर नाजिर मानने से शिर्क ही आता है। बोलो तुम हाजिर हो या नहीं, सारे हाजिर हो तो बहर हाजिर हो और नाजिर भी, नाजिर के माने देखने वाला, देख रहे हो या सारे आंखा बंद कीतियां, हाजिर भी हो नाजिर भी हो, तो तुम भी हाजिर हो नाजिर हो, अल्लाह भी हाजिर हो नाजिर है, तो क्या तुम अल्लाह के शरीक बन गए? तो तुम फर्क करोगे कि हम हाजिर और नाजिर हैं यहां मस्जिद में, अल्लाह हाजिर और नाजिर है हर जगह, मतलब हाजिर नाजिर तो एक है, मतलब दोनों के हाजिर और नाजिर होने में फर्क है। तो इसी तरह हम कहते हैं कि हाजिर और नाजिर का लफ्ज तो एक है, मगर अल्लाह के हाजिर नाजिर होने में, रसूल के हाजिर नाजिर होने में फर्क है। शिर्क उस वक्त होगा जब ये अकीदा रखा जाए कि जिस तरह जिस शान से अल्लाह हाजिर और नाजिर है, उसी तरह उसी शान से हुजूर भी हाजिर और नाजिर है, तो ये शिर्क है। लेकिन हम कहते हैं कि हुजूर हाजिर नाजिर है, मगर अल्लाह ताला की तरह हाजिर और नाजिर है। कैसे? वो माबूद होके हाजिर ना, हुजूर आबिद होके हाजिर ना, वो खुदा होकर ये मुस्तफा होकर, वो शान उलूहियत के साथ ये नूरे नबुव्वत के साथ, हमारे आमाल को देखते हैं। हुजूर खुद फरमाते, हुजूर फरमाते मैं तुम्हारे आमाल को देखता हूं, कुरान में अल्लाह भी फरमाते, अल्लाह फरमाता है वकुल इमलू वकुल, अलग अलग करो फसल करो तो कैसे, वकुल इमलू और वसल करो तो वकुल इमलू। अल्लाह तआला एक साथ फरमाते हैं मेरे हबीब आप फरमा दीजिए लोगों अमल करो, फसायर अल्लाह अमलकुम। अब मैंने तो आना मैं थोड़े को पूछना पाया है, कोई सारी मजरे चाहें
रहा है, सब कुछ मेरे सामने इस तरह कर दिया जैसे मेरे सामने मेरे ये हाथ की अकेली है। हुजूर भी देखे और हमारा तो यह कीता कामिल पीर भी देखे, कामिल पीर हो तो वो भी देखता, कामिल पीर भी देखता, चाहे मुरीद सैकड़ों मीलों के फासले पर हो कामिल पीर देखता क्या करता। हम अपने हजरत साहब की खिदमत में हाजिर होते थे ना तो जो काम हमने छुप छुप के किए होते थे हजरत वो भी इशारों में बता दिया करते, अल्लाह वाले भी देखते कैसे देख लेते। अल्लाह फरमाते हैं उनकी आंखें मैं बन जाता जिन आंखों से है? तो अल्लाह हजरत फरमाती है तीन अल्लाह को ना तुझे और रात भर सोना तुझे, शर्म नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। क्योंकि हमारा कीदा है कि हुजूर भी देखते हैं अल्लाह भी देखता है तो फरमाते हैं और सारा दिन खेल कूद में गुजार देने वाले और सारी रात सो के गुजार देने वाले, ना तेरे दिल में खुदा का गौर है ना नबी पाक से शर्म। याद रख तुझे खुदा भी देखता है और तुझे रसूलुल्लाह भी देखता है। तो मैं तुम्हें एक आला हजरत का अमल बताऊं, कोई अमल करेगा बेड़ा पार, कितने बड़े आशिक। आला हजरत फरमाते हैं जब सोवो ना रात को सोवो तो इस तरह दाएं हाथ अपने दाएं रुखसारे के नीचे रखकर देख लो और टांगे इकट्ठी कर, टांगे इकट्ठी कर दो सीने के साथ लगा लो। क्यों? फरमाते हैं जब इस तरह लेटोगे ना तो ऊपर से अल्लाह देखेगा तो वो लेटने वाला अल्लाह को लफ्ज मोहम्मद की शक्ल में नजर आएगा। देख लो ले या देखो ना, इस तरह जब लेटेगा तो ये सर बन जाएगा मीम और ये हाथ बन जाएंगे हे और ये पीठ बन जाएगी दूसरी मीम और ये पैर दाल की शक्ल बन जाएंगे। बिल्कुल यही लफ्ज मोहम्मद की शक्ल बन जाती है जब हम सजदा करते हैं। सजदा करने वाला सजदे में पड़ा हुआ है तो आप उसके बाईं तरफ खड़े हो, सजदा करने वाला बाईं तरफ है आप बाईं तरफ खड़े होकर उसको देखिए तो आपको वो सजदा करने वाला साजिद किस तरह नजर आएगा कि उसका सर होगा मीम के हाथ होंगे हे और दूसरी पीठ होगी दूसरी मीम और आगे पैर दाल की शक्ल बने होंगे। इसी वास्ते अल्लाह फरमाता है कि जब बंदा सजदा करता है मुझे बड़ा प्यारा लगता है, मेरा मुकर्रब होता है, मुझे महबूब लगता है क्योंकि मेरे महबूब के नाम की शक्ल बना। ये नमाज जो है ना ये हुजूर के नाम की शक्ल, सजदे में गया तो लफ्ज़े मोहम्मद की शक्ल बन गया और खड़ा होता है तो अलफ की शक्ल हो, जब झुक गया रुकू में चला गया तो आप अलफ के आगे यूं हे डाल हे की शक्ल बन, जब सजदे में चला गया तो मीम डालो जैसे अरबी की यूं मीम लगती, जब अत्ता याद बैठ गया तो दाल हो गया। ये सारी नमाज लफ्ज़े अहमद पर लगता है, तो सारी नमाज लफ्ज अहमद का नक्शा है और सजदा लफ्ज मोहम्मद का नक्शा है। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों आला हजरत फरमाते हैं जब लेटो ना तो जब तक तुम्हें होश रहे जागते रहो इस तरह पड़े रहो इकट्ठे हो और फिर नींद आ जाए गफलत होगी फिर आगे वापसी कर नहीं करेगी।
अल्लाह जब देखेगा तो अल्लाह को बड़ा प्यार। अल्लाह हजरत हमेशा इसी तरह ये बातें हर एक को नहीं सूझती, ये इश्क सिखाता, मोहब्बत खुद को खुद सिखा दे। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहंशाह। इश्क नहीं है तो कुछ भी नहीं। इल्म पढ़ने से नहीं बनता वली, जब तलक दिल में न हो इश्क नबी। तो
रोटी तो मुसीबत है, रोटी पकड़े मुकाबला चक्कर है जरा है तो रब ने देना ही देना है। अल्लाह फरमाता है तुम मेरा काम करो मैं तुम्हारा काम, जो तुम्हारा हक है वो तुम अदा करो, जो मेरा हक है वो मैं अदा करो। मगर यकीन होना चाहिए, तवक्कुल होना चाहिए, ईमान हो कि जो मेरे मुकद्दर में है। देखो बच्चा जब पैदा होता है ना, पैदा बाद में होता है, चौथे महीने जब फरिश्ता रूह लेकर आता है ना, तो वो मां के पेट में बच्चे के जिस्म में रूह डालता है, उसी वक्त लिख दिया जाता है कि इसकी किस्मत में कितना रिज़्क है। ये मैं नहीं कहता, हदीस उठाकर देख लो, अब इश्कास भी सारा जहान पड़ता है। एक तो उसकी उम्र लिख दी जाती है, इसकी उम्र कितनी है, एक लिख दिया जाता है इसके मुकद्दर में रिज्क कितना है, कितना इसने खाना, और नेक होगा कि बद होगा, शहीद होगा या शकी होगा, कितनी चीजें होगी, उम्र कितनी है, नेक होगा या बद होगा, रिज्क इसके मुकद्दर में कितना, और किथे मरेगा, कहां मरेगा। ये कई हदीसें हैं जिनका मैं खुलासा बयान कर रहा हूं, सारी इस तरह मुकम्मल हदीस मिश्कात में नहीं है। तीन चार चीजें हैं कि जब वो मां के पेट में होता है तो उस वक्त लिख दिया जाता है नेक होगा कि बद होगा, उम्र कितनी होगी, रिस्क कितना होगा। और ये जो बात है कहां मिलेगा, ये दूसरी हदीस होगी, सब कुछ लिख दिया जाता है। लोग कहते हैं हुजूर को इलम नहीं है, तो फरिश्ते में इलम है जिन्हें लिखा है सारा कुछ है। तो मैं कहना ये चाहता था कि ये पैदा बाद में होता है और इसका रिज्क पहले ही मुकद्दर कर दिया जाता है, तो अल्लाह ने रिज्क तो देना ही है तो देगा, मगर जो हम पर हक है हमें उसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। तो बात कहने चली थी, हम कहते हैं या अल्लाह रोटी दे, या अल्लाह कोठी दे, या अल्लाह कोठी दे। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं क्या मांगना है, तो रोटी कोठी भी कोई मांगने की, तो फिर हम क्या मांगे। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं आप जी मैं बताऊं क्या, फरमाते हैं हक तलब और सोग सिद्दी को अली अब हक तलब। ओ अल्लाह से ये दुआ किया करे, अल्लाह अपने हबीब के इश्क का एक जर्रा ही अता, एक जर्रा जर्रा है इश्के नबी अब हक सोने सिद्धि को अली, ये दुआ किया कर तड़पने तड़कने की तौफीक दे, इले मुर्तजा सोने सिद्धि, या अल्लाह वो दर्द और सोन अता फरमा जो तूने सिद्धि के अकबर और मौला अली को अता। तो जब तक इश्क ना हो बात नहीं बने, अब जरा समझो खुदा के लिए फिरका बंदी को छोड़कर बताओ, जिसके दिल में हुजूर का इश्क है वो कहेगा मदीने शरीफ जाना है फिरका, ये सोचो। इश्क वाला कहेगा महबूब के शहर जाना है फिरका, आया वो इश्क वाला तो कहेगा आंखों से चलकर जाऊं तब भी हक अदा नहीं। जरा सोचो, इश्क वाला कभी कहेगा जालियों को चूमना शिर्क है, हुजूर के रोजे की दीवारों को चूमना शिर्क है, इश्क वाला तो कहेगा
महबूब की गली में फिरने वाले कुत्ते के पैर पीछे। मजनू ने नहीं चूमे, मजनू ने कुत्ते के पैर चूमे। किसी ने कहा कुत्ते के पैर चूम रहे हो इंसान होकर, और मजनू क्या चुपकारा बढ़िया इंसाना इंसान होकर। इश्को मुहब्बत दिया गल्ला तू नहीं जानता। उन्हें कहा फिर की गल क्यों क्या चुपना की फायदा। कहने लगा ही सगे तर कुए लैला वाहे वाहे रफ्ता। इस कुत्ते के पैर इसलिए चूम रहा हूं ये कुत्ता कभी कभी लैला की गली में। मोहब्बत वालों का यही है। साबले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह मदीने शरीफ गए, एक कुत्ते को देखा, बड़े प्यार से कुत्ते को देखते रहे कि कितना प्यारा कुत्ता है जो महबूब की गलियों में रहता है। अब कुत्ता चला गया ना तो आपने शेर कहा फरमाते पारा दिल भी ना निकला तुझसे तोहफे में रजा। तारा ए दिल भी न निकला तुझसे तोहफे में रजा। इन सगाने कूसे इतनी जान प्यारी वाहवा। कहते हैं अहमद रजा महबूब की गली का सुता हुआ था, तूने उसकी क्या नजर की। तुझे चाहिए था तू अपना दिल निकाल के उसके आगे रख, अपना दिल निकाल के उसके आगे रख देता। इसका मतलब यह हुआ कि तुझे जान को प्यारा समझता है। अल्लाह ये इश्क वालों की बात। और ये जो कहते फिरते हैं मदीने शरीफ जाना शिर्क है, मदीने जाओ तो हुजूर की ज्यारत की नीयत ना करो, वहां जाओ तो जालियों को ना चूमो हाथ को ना लगाओ। है ईमानदारी से बोले ये मोहब्बत की बात थी। और जिन्हें नाल मोहब्बत होती है उनका बंदा कुत्ते के पैर होता है, एक अंदर हाथ न लगा दो। इन्हें जिन्हें नाल मोहब्बत हो तो कहते हाथ में लगाओ, ये मोहब्बत की बात है। और मियां मोहब्बत वाला तो वहां की खाक को भी चूमे, वहां की खाक को आंख का सुरमा बनाए, वहां के दरों दीवार को चूमे। और ये कोई हमारी बात नहीं है, सहाबा इकराम का यही हाल है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला ने जलील उल कदर सहाबी है, अमीर उल मोमिनीन हजरत उमर फारूक के बेटे हैं, और सहाबी भी मुहद्दिस है, बड़ी हदीसें इनसे मरवी, मुहद्दिस सहाबी। तो जुमे के दिन हुजूर के विसाल के बाद जुमे के दिन बड़े मजमे में क्या करते थे, या मिंबर जो हुजूर का मिंबर था ना, तो उसकी तीसरी सीढ़ी जहां हुजूर बैठते थे, तो जुमे के बाद आते मेंबर के पास लोगों के दरमियान हजारों लोग देखने वाले, तो हुजूर के बैठने की जगह पर इस तरह हाथ फेर कर लिए। हुजूर के बैठने की जगह पर इस तरह हाथ फेर के मुंह पर हुजूर के सहाबी। क्यों? ये वो लकड़ी है, ये वो मिंबर है जिस पर हुजूर बैठा करते थे। तो मियां जिस तरह मिंबर को हुजूर से निस्बत है, इस तरह रौजे की दीवारों को भी हुजूर से निस्बत है, जालियों को भी निस्बत है। अगर कोई अकीदत से हाथ फेर के मुंह पर हाथ फेर ले, इसका नाम पूजा पाठ नहीं है, अकीदत और मोहब्बत। पूजा तो यह है कि किसी को माबूद समझकर उसकी इबादत करे, अरबी में इसको कहते हैं इबादत, और फारसी में कहते हैं परस्।
हिंदी में कहते हैं पूजा, तो पूजा या परस्तश और इबादत तो उस वक्त होगी जब आप किसी को माबूद मानकर बनियत इबादत उसकी इबादत करें। हमने जालियों को कोई माबूद तो नहीं माना, बनियत इबादत जालियों की कोई पूजा पाठ नहीं की, हम तो महबूब के साथ निस्बत है। ये महबूब के रोजे की जालियां इसलिए चूमने। तो ये चूमना क्या है? अकीदत और मोहब्बत। चुनाव देखो मैं एक बात करूं, ये लोग हमें कहते हैं कि कब्र परस्त है, कब्र परस्त है। हम कब्र परस्त नहीं है, हम खुदा परस्त हैं। हम कब्र परस्त हैं। किस तरह? देखो कराची में कितनी कब्रें हैं। तुम्हारे शहीदाबाद से इस तरफ जाओ ना सारा कब्रस्तान, तो बोलो हर कब्र के सामने कोई हाथ बांध के खड़ा होता है? लोग कब्रों के पास से गुजरते हैं या नहीं? लेकिन जब कोई ये कह देता है कि ये कब्र किसी वली अल्लाह की है, तो वहां हम अपना, तो मालूम हुआ हमारे दिल में कब्र की बात नहीं कब्र वाले की है। इसको यूं समझो, परवाना जो होता है ना वो किसका होता है? क्षमा, क्षमा का परवाना। तुम कहते हो क्षमा का परवाना, मैं कुछ और कहता हूं। क्षमा तो दिन के वक्त की होती है, तो दिन को क्यों नहीं भूलता? समझे? अब बल्ब दिन को भी होता है कि नहीं, तो दिन को क्यों नहीं परवाना उसके व्यक्ति भूलता? रात को क्यों भूलता? इसलिए कि रात तो उसमें रोशनी होती है, नूर होता है, बल्ब तो वही है, समय तो वही है, मगर दिन को कोई परवाना नहीं घूमेगा। रात तो घूमता है जबकि उसमें रोशनी होती है। मालूम हुआ वो समा का परवाना नहीं, उसका परवाना है जो समा में नूर है। अगर समा का परवाना होता तो समा तो दिन को भी होती है। कभी दिन को देखा परवाना घूम रहा हो? रात को भी अंधेरा हो तो नहीं घूमता, रोशनी हो थोड़ा ना दे। मालूम हुआ समा का आशिक नहीं, उस नूर का आशिक है जो समा के अंदर है। हम भी कब्र के आशिक नहीं, उसके आशिक है जो कब्र के अंदर लेटा हुआ है। और वो जो लेटा हुआ है वो इंसान है, दूसरी कब्रों में भी इंसान ही है, मगर उसके आशिक इस वास्ते है कि उसकी निस्बत अल्लाह रसूल के साथ है। तो बात अल्लाह रसूल तक ही जा पहुंची। तो हम कब्र परस्त नहीं है, खुदा परस्त है। और अगर मोहब्बत करना, चूम लेना, हाथ फेरना, ये परस्तश है, तो फिर तक तुम अपनी गन्ना भी परस्तश करते हो और रन परस्त हो। सानू तुम कब्र परस्त कहते हो? मैं कभी यह गल नहीं की, लेकिन हूं याद रखो जे इन्होंने सानू माफ ना किया तो असं भी नहीं कर। अगर हमें तुम कब्र परस्त कहोगे तो हम तुम्हें रन परस्त कहेंगे। तो हम कब्र परस्त नहीं है, हम खुदा परस्त। इसी तरह तुम भी रन परस्त नहीं हो, परस्तश और भी है। परस्तश ये है कि किसी को खुदा मानकर, किसी को महबूब मानकर उसकी इबादत की। तो जो बंदा किसी नु प्यार नाल चुम लाए ते हाथ फेरे ते इहदा मतलब ये तो नहीं भी उन्होंने खुदा समझ लिया। कुछ तो होश करो, हया करो। क्यों लोगों के फतवे लगा के मुसलमानों परेशान करते? अच्छा हूं देखो, मुझे किसी ने रुका दिया अभी कि यहां एक अरसे से झगड़ा पड़ा हुआ है एक बात पर। क्या बात है?
लिख के क्या लिखा है, 10 तारीख के बाद और आए दिन, अच्छा उस तारीख के बाद आए दिन झगड़ा हो रहा, जिसकी वजह से, जिसकी वजह यह है कि बल्दिया पुलिस पर ये SDM रशीद आलम और DC नाजमाबाद दबाव डाल रहे कि मस्जिद बेईमानों को दी जाए, लिहाजा गुजारिश है कि आप बराए करम अहकाम हुकाम बांदा की तो इनकी दलील हरकतों से मुतले पहले गुलशन गाजी पुलिस जो कुछ कर रही है या खैर वो तो बात अलग है, ये जो झगड़ा हो रहा है किस बात पर हो रहा है कि या रसूल अल्लाह ना देखो, सिर्फ रसूल अल्लाह तो लिखा ही होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, झगड़ा सारा याद रसूल अल्लाह तो लिखा ही होता है तो झगड़ा याद का हुआ, तो अगर या लिखना जायज नहीं है तो इनको चाहिए कि कुरान में भी जहां जहां हुजूर के नाम के साथ या है वहां मिटा दे, या अय्युहल मुज़म्मिलो या अय्युहल मुत्तसिरो या अय्युहन नबियो या सीन, अगर हुजूर के नाम के साथ अगर इस दीवार से मिटा देना चाहिए कि रसूलुल्लाह के साथ या का लफ्ज क्यों लिखा है, तो कुरान में भी तो लिखा हुआ है अल मुज़म्मिल अल मुदस्सिर अन नबी, ये नबी करीम के नाम है या अल्लाह के, उनके साथ भी तो या लिखा हुआ है, अगर या लिखना मना है और उसको मिटा देना चाहिए तो इनको चाहिए ना कि कुरान से भी मिटाए, और पुलिस वालों को भी होश करनी चाहिए, उनको भी ये समझना चाहिए, जो कहते हैं ना यार ढूंढा मिटाओ, उनसे ये कहना चाहिए कि भाई कुरान में भी जगह जगह या लिखा हुआ है वहां भी मिटाओ, तो फिर तो मजा आ जाए, उनको कहेंगे देखो अगर रसूलुल्लाह के साथ या लिखा हुआ मिटाना चाहिए तो कुरान में भी लिखा हुआ है नबी के साथ या यहां भी मिटाओ, तो अगर वो ना मिटाए तो वहां फिर उनकी मरम्मत करें, तो या तो यहां से भी मिटाओ फिर वहां से क्यों मिटाते हैं, ये सुन्नियों की मस्जिदों में आकर झगड़े करते हैं, मजा तो तब है जबकि शियों के इमाम बारों में जाए, ईसाइयों के गिरजों में जाए, हिंदुओं के मंदिरों में जाए, और जहां सैनमे की दीवार के ऊपर सैनमे का नाम लिखा होता है, औरतों की तस्वीरें बनी हुई है, वहां जाके मिटाए अगर मुजाहिद हैं तो हम समझें कि भाई वाकई दीन का काम है, इन्होंने वाक है दुख है कि रसूलुल्लाह के नाम देना, रसूलुल्लाह का नाम मिटा रहे तुम दो जहान में खुद मिट जाओ, और जो उनकी मदद करेंगे चाहे पुलिस वाले हो कोई हो वो भी मिट जाए, जिसने भी हुजूर का नाम मिटाया वो खुद मिट जाए, समझ में आई वैसे बात मेरी, भाई जो अकीदा है वो तो अलग बात, अगर हुजूर के नाम के साथ या लिखना नहीं चाहिए और लिखा हुआ हो तो उसको मिटा देना चाहिए, तो फिर कुरान में और हदीस में जहां जहां भी या रसूल अल्लाह लिखा हुआ है वो मिटाओ, और अगर वहां नहीं मिटाते हो तो यहां क्यों मिटाओ, यहां भी तो वही कुछ लिखा है, अलबत्ता अगर तुम्हारा कीदा नहीं है तो तुम या रसूल अल्लाह ना कहो मगर मिटाओ तो नहीं, तो अफसोस तद अफसोस, अब मैं तुम्हें बताऊं सुनियो, अगर तुम जिंदा रहना चाहते और सुन्नी बनकर जिंदा रहना चाहते
तो ना पुलिस का सहारा लो, ना किसी डीसी का सहारा लो, ना किसी और का, अपनी कुव्वत बाजू पर एक बार समझे। क्योंकि जो शराफत से चलती है उनके हुकूक को पामाल किया जाता है। ये हमारी इंतजामिया और पुलिस और हुक्काम ये कहते हैं कि हम भी दूसरे लोगों की तरह शरपसंदी करें, हम भी रोड बंद कर दें, हम भी जुलूस निकालें, हम भी तोड़ फोड़ करें, फिर कहेंगे ठीक है जी देख लेते लोग बंदे को बंदे की तरह नहीं मानते। हुकूमत खुद मौके देती है, ये इंतजामिया खुद ऐसे हालात पैदा करती है कि लोगों को लड़ाती है। अरे अगर या रसूल अल्लाह लिखा है सुन्नियों ने अपनी मस्जिद में उनका पीता है तो उसे नहीं मानते ना माने। अफसोस तक अफसोस, इस वास्ते अब मैं तो यही कहता हूं कि इंतजामिया हमारे साथ ताउन नहीं करती, हमने हमेशा ताउन किया, हम सुन्नियों ने कभी तकरीबी कार्रवाइयां नहीं की, हमने तामीरी काम किए। और हम शराफत से इनको कहते हैं कि हमारा हक हमें दो, ये नहीं देते, अब हमें भी फिर मैदान में आना पड़ेगा। और याद रखो जिस दिन हम आ गए फिर संभालना मुश्किल हो जाए। आप अगर आपके सामने बात बहुत दूर चली जा रही है, वक्त भी बड़ा हो गया है, कि सही मानों में उलमा वो है जिनको इलम के साथ साथ कुर्ब की और मारिफत की दौलत है। तो ये जो इस किस्म की बातें करते हैं ना, मदीने की नहीं जाना चाहिए, वहां के दरो दीवार को नहीं चूमना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, हुजूर पर सलाम नहीं भेजना चाहिए, हुजूर की ताजीम के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें बताती हैं कि इनके दिल में हुजूर की मोहब्बत अजमत है। देखो ना कहते हुजूर के लिए तो ना खड़े हो, तो थानेदार आ जाए तो खड़े हो जाने बोलो हमने नहीं कहने, थानेदार आ जाए तो सलाम लेके। हालांकि मसला यह है कि आने वाला सलाम करे, पहले ही सलाम करे खड़े हो जाए। और थानेदार आ तुम थानेदार के लिए खड़े हो जाओ तो तुम मुसलमान, तुम्हारी तौहीद में फर्क ना है, और हम रसूल अल्लाह के लिए खड़े होते हैं तो तुम शिर्क के फतवे लगाते हो। हम खड़े होते हैं अपने रसूल के लिए खड़े होते हैं, तुम्हें क्यों तकलीफ होती जिस दिन तुम्हारे लिए खड़े होंगे ना खड़े होने में। कितना जुलम है भाई, खड़े होते हैं हम और खड़े होते हैं अपने रसूल के लिए, हमारी नियत है ताजीम की, तुम नहीं खड़े होते हो तो ना खड़े हो, हम तुम्हें तो मजबूर नहीं करते, लेकिन जब तुम हमें मुशरिक बिनती कहोगे तो फिर हमें जवाब देना पड़ेगा कि हम मुशरिक बिनती नहीं है। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों याद रखो, जिसको मोहब्बत होगी उसके दिल में अजमत जरूर होगी, क्योंकि जिसके साथ मोहब्बत होती है उसकी दिल में अजमत भी है, और हुजूर की मोहब्बत नहीं तो ईमान नहीं। हुजूर अलैहि सलातो वसलाम ने खुद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। फरमाया तुम में से कोई मोमिन हो ही नहीं सकता, वली होना कुतुब होना गौस होना तो बात की बात है, मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक हुजूर फरमाते हैं जब तक मैं उसके नजदीक उसके मां बाप से उसकी औलाद से और तमाम लोगों से ज्यादा प्यारा न हो। तो ज्यादा प्यारा जो होता है आदमी उसकी तो ताजीम करेगा। हुजूर को हजरत फातिमा बहुत ज्यादा प्यारी थी,
हजरत फातिमा आती थी हजूर उसके खड़े हो गए। हजरत फातिमा को हजूर बहुत प्यारे थे, जब हजूर आते थे हजरत फातिमा उठ के खड़ी हो जाती। सहाबा किराम को बहुत प्यार था। हदीस उठाकर देखो, हजूर बैठे होते थे, सहाबा भी बैठे होते थे ना, हजूर उठकर जब घर जाते थे सारे सहाबा उठकर खड़े थे और चलते नहीं थे। हुजूर चलते जाते थे सहाबा अदब से खड़े रहते थे उसी जगह पर। जब तक नबी करीम चलते चलते अपने घर के हुजरे में दाखिल नहीं हो जाते थे सहाबा उसी तरह वहां खड़े रहते। अफसोस, कौमी तराना बजे पाक सर जमीन साध बाद, तो कानून हो तो सब खड़े हो जाओ, चाहे कोई सदर हो चाहे कोई वजीर हो, कौमी तराना बजे तो सब एहतराम से खड़े हो जाओ। और नबी करीम अलैहि सलातु वसलाम का तराना पड़ा जाए तो शिर्क। मैंने सदर साहब से यह जिक्र किया, जाओ लगता मैं कहता जब ये तराना बजता आप दिल पर क्यों हाथ रखते? नहीं सुनो, इसलिए कि आप दिल पर हाथ रख के ये साबित करते हैं कि ये पाकिस्तान मुझे अपने दिल से ज्यादा, पाकिस्तान में मेरा दिल है और ये पाकिस्तान का तराना बज रहा है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि ये पाकिस्तान के तराने की ज्यादा आदमत है या हुजूर पर दुरूद और सलाम की ज्यादा आदमत है? सलातो सलाम के साथी हैं हजरते साहब अली
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے کتاب الصلاۃ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جتنا وقت میں نے عبادت کے لیے رکھا ہوا ہے میں اس کے چار حصے کر لیتا، ایک حصہ آپ پر دوسری پڑھتا ہوں، باقی تین حصے دوسرے ذکر اذکار دعائیں پڑھتا ہوں، تو یہ ٹھیک ہے؟ حضور نے فرمایا ہے تو ٹھیک ہے، مگر تم درود کو اور زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو حضور میں پھر دو حصے آپ پر درود و سلام پڑھا کروں گا اور دو حصے دوسری دعائیں ذکر اذکار وظیفے، یہ ٹھیک ہے؟ فرمایا ہے تو ٹھیک، لیکن اگر درود و سلام کو اور زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ فرمایا تین حصے، حضور یہ ٹھیک ہے، ہے تو ٹھیک لیکن اگر اور زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا پھر بس یا رسول اللہ میں ہر وقت آپ پر درود و سلام ہی پڑھتا ہوں۔ تو سرکار نے کیا فرمایا، فرمایا تم اگر ہر وقت درود و سلام ہی پڑھتے رہو گے تو اللہ بھی تمہاری ساری حاجتیں پوری کرے۔ محبوب ہے یہ درود و سلام پڑھنا، اللہ کو ایسا محبوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت سے حکم دیے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، کسی جگہ یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو کیونکہ میں نہیں پڑھ سکتا، حج کرو کیونکہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ بولو رب نے کبھی حج نہیں کیا؟ مگر درود پڑتا ہے، درود وہ بھی پڑتا ہے، سلام وہ بھی پڑتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے بھائی میں بھی درود و سلام بھیجتا ہوں، ایمان والوں تم بھی، تو تھی سلام کو روکو یا تو سڑکوں میں کھڑے ہو کے سلام پڑھ، دفتروں میں بڑھ کے سلام پڑھ، اسمبلیاں جا کے سلام پڑھ، سلام سے کوئی نہیں روک، ہو تم دیکھو ہو کے پڑھو۔ میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، دیکھو ہو کے پڑھو، اور طریق سنو، اگر کوئی روکے تو علاقے کے ڈی سی کو درخواست دے کہ ہم سنی ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہم جمعے کے بعد سلام پڑھتے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے، اور اگر وہ اجازت نہ دے تو مجھے بتاؤ، اور اگر وہ اجازت نہ دے تو میں پہلے بتا دیتا ہوں، اس کو کہو کہ ہم پڑھیں گے، آؤ آ کر ہمیں روکو، جو کوئی آئے گا میں دیکھ لوں گا، کوئی نہیں آئے گا، ہمت سے کام لو گے تو کام چلے گا۔ اب وہی قوم زندہ رہے گی، وہی لوگ زندہ رہیں گے، وہی اپنے حقوق کا تحفظ کریں گے جو جرم کا مظاہرہ ہے، جن ہاتھ جوڑو دور دور کرو انہیں اسے کر دے، اکھا بہت کرنے کی حکم دو، آپ تو سمجھتے ہیں کہ میری مجلس سے شورا کے ممبر ہے، حکومت کے چمچے ہیں، چمچے ہمیں کرنا پڑے گا، چمچے اور ہوتے ہیں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے حضور کے غلام، ہماری عزت ممبری سے نہیں ہے، ممبری رسول، ہم ممبری کو کیا سمجھتے، ممبری کیا تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی برکت ہے،
आला हजरत साबरे बरेलवी रामतुल्ला अलैह के मुरीद थे, रियासत नान पारे के नवाब, तो सेठ ही नहीं नवाब, नवाब रियासत का बादशाह, तो वो फौत हो गया, हजरत का मुरीद था। बेटा जो वली अहद हुआ तो उसने हजरत साहब से आला हजरत फादरे बरेलवी से कहा कि हजरत मेरा वालिद आपका मोतकिद था तो वो फौत हो गया, तो आप उसकी तारीख वफात लें। आला हजरत अपने वक्त के इमाम, आपको 50 किस्म के उलूम पर महारत, ये तारीख निकालने में भी आपके जमाने में आपके पाए का कोई नहीं, जितनी किताबें आपने लिखी है सबका नाम तारीखी है। उस किताब के नाम से यह भी पता चलता है कि सन में लिखी गई, और उस किताब के नाम से पता चलता है कि इसके अंदर मजमून क्या है। तो तारीख निकालने में बड़े माहिर, और जब किसी की तारीख निकाली जाती है तो तरीका जो होता है कि पहले चंद अशार लिखे जाते हैं जिन अशार में उसकी मदा की जाती है, उसकी तारीफ की जाती है, फिर आखिरी अशार में तारीफ, आखिरी अशार में ऐसे अल्फाज लाए जाते हैं कि हरूफ अब्जद के लिहाज से वो सन, जो सन होता है ना वो निकल। चुनाव मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ तो मैंने भी ऐसे ख्याल किया कि मैं अपने वालिद साहब की तारीख वफात निकाली, तो मैंने तारीख वफात निकाली, बड़ा कर्म हुआ, तो मेरे वालिद साहब की तारीख वफात निकली अल्लाहुम्मा मग़फिर, अल्लाहुम्मा मग़फिर, अरे अल्लाह उनको बख्श, ये तारीख वफात। यानी ये जो हरूफ है ना, हरूफ अब्जद के लिए आते इनके असद निकालो तो उतने बन जाते हैं जिस सन में वाले साहब की वफात है, ये कब्र पर भी लिखा हो अल्लाहुम्मा मग़फिर। बहुत प्यारे दुआया कलमे हैं, ऐ अल्लाह उनको बख्श दे, ऐ अल्लाह उनको। तो नवाब साहब वली अहद ने लिखा ना हजरत को कि हजरत आप तारीख वफात है, तो आला हजरत अगर तारीख वफात लिखते तो जाहिर है कि नवाब साहब की तारीफ करनी पड़ती, पहले तारीफ करते आखिरी शेर में तारीख लिखते। लेकिन आला हजरत ने इशारा किया कि शहजादे को एक नाथ शरीफ लिखकर दे। आप जानते हैं कि अगर तारीख वफात लिखते तो शहजादा खुश होकर हजारों रुपया नजर करता, उसके खत का जवाब भी दे। आप फरमाते कर मदहा अहले जो बने नदा, परे इस बला में मेरी बला, दोबल कहते दौलत ए रजा, मैं दौलत वालों की मदद करूं, जो दौलत वाले हैं बादशाह है नवाब है मैं उनकी मदद करूं, करूं मत अहले जो वाले रदा, परे इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। ये जुमा पारा कहते हैं पानी को, नान कहते हैं रोटी को, तो एक माना तो ये हो गया कि मेरा दीन रोटी पानी नहीं है, कि मैं दौलत का हासिल करने पैसा हासिल करने के लिए अमीरों बादशाहों और नवाबों की मदद करूं, और ना ये जो है ना
मेरा दीन पाराए ना नहीं, इस पाराए ना को उल्टा करो तो नान पारा बन जाए, तो रियासत की नान पारा उसी का ही जवाब था। तो इस शेर ने जवाब दे दिया कि मेरा दीन नान पारे के नवाब की मदद करने नहीं, मैं अपने करीम अपने आका की मदद करता हूं जिसका सदका खाता हूं। क्या है हमारी तो सारी उम्र गुजर गई हजूर का जिक्र करते हुए, और हजूर के नाम की बरकत से अल्लाह का नाम देता है, जिसका धाते है उसी का धाती। जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाए उसी का गाए, तो नेमतें जिनकी हम खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। तो हमें तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने यही सबक दिया कि हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का इश्क ईमान की जान। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के मुतल्लिक हमेशा जहां उर्स होता है इंशाअल्लाह होता रहेगा। पहले भी आपने कई मरतबा सुना है, आज मैंने आपको ये बताया है कि जो सही मानों में उलमा होते हैं उनके दिलों में अल्लाह का डर और खौफ होता है, ना वो किसी पर तोहमत लगाते हैं, ना किसी पर इल्जाम लगाते हैं, ना गलत तर्जमे करते हैं, ना तफसीरें करते हैं। लेकिन जिन लोगों का वतीरा ये है कि बुतों के हक में उतरी हुई आयतें नबियों वलियों पर लगाते रहते हैं, मतलबों को फूम गलत बयान करते रहते हैं, नबी करीम की शान बचाते हैं, हुजूर की बारगाह में जाने से रोकते हैं, और इमाम अहमद रजाब जैसी हस्ती पर तरह तरह के इंसान बोहतान डालते हैं, उनको असल में दुख है ना, दुख जिसके साथ दुख हो गए ना, दुश्मनी हो गए ना, तो उसकी खूबियां भी बुराइयां नजर आ जाए, और जिसके साथ प्यार हो गए उसकी बुराइयां भी खूबियां नजर आ जाए। दुश्मन होंगे तो हमें किन्ना सोना शक्ल इसकी थी, तो जिन बार मोहब्बत होंगे तो हमें किन्ना सोचा हो, कहने चौक नहीं बात सामने भी दुश्मनी, तो इनको खूबियां भी बुराइयां नजर आए। अब तो ऐसी हालत हो गई है, मैं आपको क्या बताऊंगा, दो चार किताबें हाल ही में छपी हैं, इतनी गंदी गंदी बातें लिखी गई, ये आलमों का काम इख्तलाफ होना एक अलग बात है, इलम से बात करो, दलील से बात करो, गालियां देना गंदी गालियां, गंदी गालियां दी है किताब के। तो अब हम ऐसे लोगों को क्या मुंह लगाएं, क्या जवाब। तो जिसके दिल में अल्लाह का डर और खौफ होता है वो ऐसी बात नहीं करती। ये पहले भी किसी ने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन कहते हैं, तो क्या शैतान ने भी कभी फौज हासिल किया। तो बात यह है कि शैतान से पहले जो पूछा जाए कि वो फैम हासिल करने का कारण भी है कि नहीं, पहले शैतान से ये पूछो कि उसका अकीदा है कि हुजूर से फैम हासिल होता है, बोलो नहीं, शैतान का अकीदा शैतान मानता है कि हुजूर की जात से फैद आते हैं, शैतान का शर्म नहीं मानता, शैतान मानता, शैतान इतना शत्रु है जितने शैतान के सील सख्त, मैं नहीं कहता हूं हुजूर ने सब, हुजूर ने मदद के लिए दुआ नहीं मांगी, ज्यादा लगा यार सुनो क्या बताए, फरमाया हुआ तो है यत्ना कर्म शैतान, वहां से शैतान का सींग निकले, यही कहो शैतान के शैतान को सीर, शैतान इतना सख्त नहीं जितने सीर सख्त ने, तो जो जानवर सीमा वाला जो जानवर होगा उन्हें वजूद ही उनको तो सबसे ज्यादा सख्त चीज कहनी होंगी, सीमी होंगी, तो
ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿ ਉਹਨੇ ਮਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਤਰੰਗ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੋਏ बाद में
उस दिन के बाद थप्पड़ नहीं लगा। मालूम हुआ कि वकील शैतान में ज्यादा सख्त नहीं, शैतान उल्टी बार बात आया, उसका भी अकीदा है कि मैं फरियाद करूंगा तो मेरी सुनी जाएगी, हुजूर मेरी मुसीबत को दूर कर सकते हैं, जो थप्पड़ लगते हैं उनसे मुझे बचा सकते हो, एक नहीं ना जाओ कुछ नहीं कर सकते हैं। अल्लाह तो देखो भाई, हुजूर सारे जहन्नम के वास्ते है और जहन्नम में शैतान दिया हुजूर उसके लिए भी रहमत है। वक्त बहुत हो गया, अब मैं तो असल में बहुत आज थका हुआ हूँ, जुम्मे का दिन है ना, कभी कभी मौका मिल जाता है जुम्मे के बाद थोड़ी देर आराम करने का, तो आज नहीं मिला, रात को तो मैं सारी रात जागता हूँ, तो वो आज मौका नहीं मिला। और कल मैंने सफर करना है, 20-22 दिन इंशाअल्लाह पंजाब का दौरा है, फिर मैं हाजिर हूंगा, फिर मैं और आप, अल्लाह ताला आपको जिंदा सलामत रखे, आपकी बरकत से अल्लाह ताला मुझे भी तंदुरुस्ती दे, जब तक जान में जान है तंदुरुस्ती रहे और हम हुजूर का जिक्र करते रहे, सुनते सुनाते रहे। हमारे भी अजीज अंजुमन साथ इस्लाम, जैसा कि हमारे भी अजीज ने आपको बताया कि ये बहुत काम कर रहे हैं, खुदा का शुक्र है कि इन नौजवानों के दिलों में दीन और मसलक की खिदमत का जज्बा है, ऐसे नौजवानों को गनीमत समझो, ये कौन का सरमाया है, वरना देखो नई नस्ल किधर जा रही है, नौजवानों का क्या हाल है। तो ये नौजवान फखर है हमारे लिए कि अल्लाह ताला ने इनके दिलों में ये जज्बा पैदा किया है कि ये दीन और मसलक की खिदमत का जज्बा रखे, अल्लाह ताला इनको बरकतें अता फरमाए, आप लोगों का हक है इनके साथ तावन करें, इनकी हौसला अफजाई करें, अल्लाह ताला आपको भी दो जहानों में अपनी रहमतों और बरकतों से नवाजे, अल्लाह ताला हमें सही मानों में मुसलमान बनाए, हुजूर का गुलाम बनाए, और अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क के अजीज पाकिस्तान को कायम दायम सलामत रखे, अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से बचाए, और ये जो सलाम पढ़ने से रोकते हैं अल्लाह ने हिदायत दे, अब जो प्रोग्राम हो सलाम खड़े हो सारा बच्चे सला। देखो मैं तुम्हें एक बात सुनाता हूँ, आज से तकरीबन आज से 12 साल पहले जब सेहत बहुत अच्छी थी, आवाज बड़ी साफ सुथरी थी, एक जगह मैंने तकरीर की थी मेराज के मौजूद, तो मुझे सैकड़ों जगह तकरीरें की क्या पता, वो तकरीर मैंने सुनी खुद जाकर, मुझे इत्तेफाक हुआ वहां जाने का, तो वो कहने लगे कि हम आपको आपकी तकरीर सुनाते हैं 12 साल पहले, मैं क्या सुनाओ, तो मैं तो खुद ही अपनी तकरीर पर आ चुका, तो मैं कह मेरी इतनी अच्छी आवाज, इतने सोने इशार करेंगे, इतनी अच्छी तकरीर की, यकीन मानिए मैंने उनकी बड़ी मिन्नत की और मिन्नत करके उनसे कहा कि इस तकरीर की मुझे नकल दे दो, मेरी तकरीर है तुम्हारे पास, मगर 12 साल पहले की मैं रात के मौजूद हूं, मैं दावे से कहता हूं कि मैं खुद सुनता हूं तो आशिश करता हूं कि आज ना मेरी वैसी आवाज रही है, ना जोर है, ना कुव्वत है, ना ताकत है, मगर वो बड़ी प्यारी आवाज, बड़ी सोनी तकरीर, 3 किस्तों में है, मैंने बड़े मेहनत से उसको हासिल करके, तो मैं चाहता हूं कि सब लोग उसको सुने, आप सुनेंगे तो आशिश करेंगे, तो वो तकरीर मेराज शरीफ की जो 12 साल पहले मैंने कहीं की थी, है कराची में, कराची की हुई है, मगर है बड़ी प्यारी, आवाज भी बड़ी सोनी है, तर्क भी बड़ी सोनी है, ये मकसद नहीं है कि केस में भेजना मकसूद है, मकसद यह है कि सुनो तो तुम पता लगे कि क्या कह रहे हैं, पहले की थी तो हूं की है, हूं का मामला है ढिला हो गया, तो हूं नहीं ढिला हो जाता, कसिया हो तो आवाज बड़ी तोड़ निकलती तबले आते, तो वो 3 किस्तों में मेराज के मौजूद पर तकरीर है, जिसमें बड़े प्यारे प्यारे नस्लें नसीबे की बातें हैं, तो वो भरी भराई केसेज आपको 3 किस्तों मिलेंगे, उतने मिलेंगे पूरी तकरीर, पूरा सेट लो 75 रुपए का, 25-25 रुपए की भरी भराई तकरीर के समय, मैं कहता हूं 1000 रुपए की दो ऐसी तकरीर नहीं मिलेगी मेराज के मौजूद पर, तो जिन्होंने सुननी हो मस्जिद में लगाओ, लोगों को इकट्ठा करके सुनाओ, घरों में लगाओ, महलों में लगाओ, ये भी एक तकलीफ का जरिया है, उसको हासिल कर लेना, सब हजरात शौक शौक से सलातो कलाम पर।